हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर किसी के घर में एक ब्लैक शीप होती है, एक ऐसा इंसान होता है जो घर से वफादारी या तो बहुत कम रखता है या बिल्कुल नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक घर में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि घरों में एक भेदी होता है जो लंका ढाने की कोशिश करता है। आपके घर का ये भेदी कौन है? जितना भी इंफॉर्मेशन हो सका मैं इसके बारे में आपको दूंगी, लेकिन आपको इस बात को जानने के बाद ना डरना है ना घबराना है, बहुत ही अकलमंदी से सिचुएशन को डील करना है। कौन है जो डिसलॉयल है फैमिली को, कौन है जो घर का भेदी है और अपने घर की लंका को ढाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है, ये सब जानेंगे आज की रीडिंग से। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके फ्रेंड्स, कार्स आर विजिबल टू यू ऑल, आपको दिख रहे हैं कार्स, आराम से आप देख सकते हैं हर एक कार्ड को। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल साइंस रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। इसमें से एक दो पॉइंट्स पे रिजोनेट होते हैं तो रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव रीडिंग सबको रिजोनेट नहीं होती, किसी किसी को 100% रिजोनेट होती है तो किसी को 90, तो किसी को 70, तो किसी को उससे कम, लेकिन रिजोनेट जरूर होगी। कौन है ये पर्सन जो घर का भेदी है? एक तो ये पर्सन बहुत हाईली नार्सिसिस्ट है, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है। इनकी जो आवाज है ना, ये काफी डीप है, मतलब ये जो बोलते हैं तो इनकी आवाज में बहुत गहराई होती है। ये इनकी एक खास पहचान है जो मैं आपको दे रही हूं। पहले मैं आपको इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे सकती हूं वो दे रही हूं। ये इंसान की दूसरों के छोटे छोटी बातों का बहुत ही ज्यादा मुआयना करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं आपकी चाल ढाल, कपड़े, आपके जो मूवमेंट्स है, हर चीज पर, हर किसी के ये लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं और हर किसी को खुद से इंफीरियर ही मानते हैं। इनके दिल में एक ऐसा वहम है, ये सच्चाई भी हो सकती है, ये वहम भी हो सकता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, ना लुक्स में ना बुद्धि में, किसी में कोई इनसे बेहतर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ऐसा आमतौर पर सोचते हैं, एक तो होता है इंसान होता है, एक होता है जो इंसान सोचता है, ये जो सोचते हैं ना, ये नार्सिसिज्म की बीमारी की वजह से सोचते हैं। आई एम द बेस्ट, नोबडी इज एट पार विद मी, नोबडी इज कंपेरेबल टू मी। ये वहम इनको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसे लोगों की जो ईगो होती है इतनी नाजुक होती है कि आपने कभी कुछ इनको कह दिया हो या आपकी फैमिली में किसी ने इनको कुछ कह दिया हो, अब ये जो है ये आपके बहुत ही करीबी हैं। सिक्स ऑफ कप्स आपके बहुत ही करीबी हैं, आपके घर को शेयर करते होंगे, आपके घर के मेंबर होंगे, कोई भी हो सकते हैं, मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगी, आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड हो सकते हैं।
इस तरह से आपका इनसे रिश्ता है कि या तो हर वक्त आपके घर में रहते हैं, आपके घर में बहुत आना जाना है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इनकी जो मैंने आपको पहचान दी है, आप तुरंत इन ग्रास्प कर लेंगे पर्सन कौन है, कि मेरे सामने तो ये कुछ नहीं, मेरे सामने वो कुछ नहीं, मेरी अक्ल के आगे इसकी अक्ल कुछ नहीं, मेरा अचीवमेंट सबसे बड़ा, इसका अचीवमेंट कुछ नहीं, इसके घर में कुछ नहीं, मेरे घर में बहुत कुछ है, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के ये इंसान है। मतलब है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर, पर ये अपनी एक अकलमंदी या बोलो शातिरता से लोगों को प्रभाव में रखते हैं। इनकी आवाज बहुत, मैं कहूंगी भारी है, डीप है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है ये पर्सन। आपको इनकी हर बात में मैं आई मी ये बहुत फील होता होगा। और क्योंकि किसी ने इनको घर में इनकी किसी एक डिसीशन पे हावी कोई हो गया, या तो आप होंगे या आपके घर का कोई मेंबर होगा जिसने इनको वो नहीं करने दिया जो कि ये करना चाहते होंगे लाइफ में, इसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा, बहुत नफरत और बहुत ही ज्यादा एंगर भरा हुआ है फैमिली के मेंबर्स के प्रति। कई बार जब ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और उनको कोई एक ऐसा एडवाइस दे दे या ऐसा डिसीशन लेने पे मजबूर करे जो कि उनके फायदे का ही हो लेकिन उनकी मन मर्जी का ना हो, फायदे का जरूर होगा पर उनकी मन की नहीं होगी। तो आपके घर में हो सकता है किसी ने, आपने या किसी ने उनको फोर्स किया हो वो करने के लिए जो कि वो नहीं करना चाहते थे, इस बात का उनको बहुत भारी एक उस बात से गुस्सा भर गया है इनके दिल में, एक नफरत या हेट्रेड सी भर गई है घर के बाकी मेंबर्स के लिए। इनको ये बात का गुस्सा है कि मेरी फेवर में किसी ने तब क्यों नहीं बोला, आपके घर में से किसी ने क्यों नहीं उनकी फेवर की, वो जो डिसीशन लेना चाहते थे क्यों सबने उनके खिलाफ ही स्टैंड लिया, क्योंकि आप सब शायद जानते थे कि ये इनके लिए बेहतर डिसीशन होगा। इस बात को इन्होंने पकड़ लिया, इस बात को ये छोड़ ही नहीं पा रहे, ये हर वक्त इसी बात के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, इनको लगता है इनकी अकल के सामने किसी की अकल नहीं है, इनके डिसीशन के सामने किसी का डिसीशन स्ट्रांग नहीं होता। तो जो मजबूरी इनको उस वक्त फेस करनी पड़ी कि ये अपनी बात नहीं कर सके या अपना डिसीशन नहीं ले सके घर के बाकी मेंबर्स की प्रेशर की वजह से, इस बात को इन्होंने इनके बाद ये बात इनके दिल में घर कर गई है। आपने जो कुछ किया था एक हेल्पफुल मेंबर होने के नाते किया था, इनको जिस डिसीशन से आपने मना किया जो वो लेना चाहते थे और आपने कुछ और डिसीशन उनको लेने पे मजबूर किया जबकि ये उनके फायदे का ही साबित हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनके फायदे का साबित नहीं हुआ। इसकी बजाय कि आप लोगों को थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड दिखाएं, थैंकफुल रहें, उसकी बजाय ये घर की बातें जो नहीं करनी चाहिए औरों के साथ ये शेयर करते हैं, ये आप लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको बाहर शेयर करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या मूवमेंट्स हो रही है, क्या आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन है घर की ये किसी और को देते हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ये क्यों ऐसा करते हैं, ये चाहते हैं कि जो कुछ ये नहीं कर पाए ये आप लोगों के खिलाफ नहीं जा पाए, और खिलाफ जाने की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने जो इनके लिए किया बहुत सही किया, पर इनकी अकल पे पर्दा पड़ा है, इनको ये बात की समझ नहीं है। तो ये सोचते हैं इस तरह से मैं घर की इंफॉर्मेशन अगर बाहर दूंगा या दूंगी तो इससे दूसरे आपके खिलाफ हो जाएंगे और इससे आप लोग अकेले पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस तरह से जब ऐसे लोग इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस तरह से दूसरों को देते हैं जिससे दूसरों को आपके प्रति डिसलाइक क्रिएट हो। इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देते कि आपको लोग लाइक करें, घुमा फिरा के कुछ तोड़ मरोड़ के ही इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं एक बात याद दिला दूं, ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी फैमिली मेंबर, मतलब एक पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है फैमिली मेंबर की या आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार दोस्त या पड़ोसी की जिनका आपके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सेस है। तो इनकी किसी बात में आपने कुछ ऐसा किया, इनको कुछ डिसीशन लेने पे फोर्स किया जो कि ये नहीं लेना चाहते थे जबकि इनके बेहतर के लिए लिया गया था, इनको इस बात का बहुत गुस्सा है। ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं उल्टे तरीके से,
बल्कि अपने रिलेशन का जो बैलेंस है आपके साथ उसको बिगाड़ के ये हील होना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप खुद को ही घाव दो और एक तरफ आप उसी पे मरहम करो तो आप ठीक नहीं होने वाले। ये गलती ये इंसान कर रहे हैं। इनको मजा आ रहा है ये सब करने में, इनको अच्छा लग रहा है, दूसरों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। ये नार्सिसिस्ट होते हैं, इनको अपनी हर वक्त तारीफ सुनना अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है कि लोग इनकी कोई बुराई ना करें। और जब ये आपके घर के लोगों की या आपकी बुराई और जगह पे करते हैं या आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक औरों को देते हैं या घर के जो भेद है ये बाहर जब शेयर करते हैं, इससे इनको लगता है लोग इनकी फेवर में आ रहे हैं, वो उनको ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो लोग खुश हो जाए। तो इस तरह से ये अपनी एक सर्कल बढ़ा रहे हैं, अपना एक फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हैं ऐसा करके। खास तौर पे जो लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जो लोग आपके करीबी हैं, उन पे तो खैर इनकी बातों का कोई असर होने नहीं वाला, लेकिन जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त में या आपकी फैमिली में, उनके कान भर भर के ये अपना एक सर्कल बढ़ा रहे हैं, अपना एक अपनी जो एनर्जी लेवल है, नेगेटिव ही सही पर एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं, आपके बारे में ऐसी बातें बता के, आपके घर की ऐसी इंफॉर्मेशन दे के जिससे उनको मजा आए औरों को, और वो लोग सोचे कि ये इंसान बहुत अच्छा है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या दे रही है। इससे इनकी जो नेगेटिविटी का जो एक प्रभाव है ये बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे इंसान हैं, आपकी फैमिली सही है, खासतौर पर वो मेंबर्स जिन्होंने इनको सही डिसीशन लेने पे मजबूर किया, तो आपने जो कुछ किया इनके फायदे के लिए किया, तो ऐसे में आपको नुकसान होगा नहीं। हो सकता है शुरुआत में लोगों को ऐसा फील हो कि ये बहुत अच्छे हैं और आप लोग बुरे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वक्त बीतते बीतते एक सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाती है कि आप सही ही थे। फिलहाल लोग उनकी बातों में आ भी जाते होंगे, आपको लगता होगा लोगों के एटीट्यूड में कुछ बदलाव आया है, जो आपके इतनी फेवर में थे पता नहीं अचानक से आपके अगेंस्ट हो गए, आपको जैसे पीठ दिखा रहे हैं, ऐसे आपको लगता होगा। कई लोगों को आपके साथ बात करने में आपको लगता है कंफ्यूजन होती है, या पहले जितना प्यार नहीं है उनकी बातचीत में या उनके रवैये में। इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो ये पर्सन कर रहे हैं उसकी रियलाइजेशन इन लोगों को जरूर होगी। जो इंसान अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को फेथफुल नहीं होता, अपने फैमिली को डिसलॉयल होता है, घर का भेदी होता है, आपको लगता है लोग लॉन्ग रन में उन पर विश्वास करेंगे? कल को यही लोग इनको सुनाएंगे, जब तुम अपने घर की वफादारी नहीं रख सकते, अपने घर से नहीं रख सकते, तुम हमसे क्या रखोगे? ये सवाल लोग उनको जरूर करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहे, इस इंसान की गतिविधियों से घबराएं नहीं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंसान अपने लिए खुद ही खड्डा खोद रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं सब कुछ रिपरक्यूशन इन पर ही आने वाला है आगे जाके। लोग मजे ले तो लेते हैं बातें सुन के, इनकी इंफॉर्मेशन से कुछ फन कर लेते हैं, कुछ मजा ले लेते हैं, लेकिन इन पर ट्रस्ट कोई नहीं करता। जो एक से बोलते हैं ना, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ, जो आपके घर के भेद बाहर खोलता है, लोग उसको अपने भेद बताने से घबराएंगे, लोग अपनी बातें उनसे शेयर करने से घबराएंगे। तो इस पर्सन की मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी है, ये बातों को भूलते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। एक बात आपने कोई इनको कह दी, ये सालों साल तक उसे याद रखेंगे। कोई अच्छी बात इनको याद नहीं रहती, लेकिन हर किसी की बुरी बात इनको जरूर याद रहती है, ये इनकी बहुत बड़ी पहचान है। मेल मेंबर होने के चांसेस ज्यादा हैं इस पर्सन के, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो फीमेल भी पॉसिबल है, लेकिन यहां रीडिंग के हिसाब से मेल मेंबर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनका कुछ काम या लाइफ ऐसी है कि एक शहर से दूसरे शहर कॉन्स्टेंटली आना जाना बहुत रहता है, ये टिककर एक जगह नहीं रहते, इनका मूवमेंट बहुत है, इनके पैरों में चक्कर ही रहते हैं, ये भी इनकी बहुत बड़ी पहचान है। खुद को बहुत माहिर समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं, इनकी पर्सनालिटी के आगे दूसरा कोई कुछ नहीं है, ये इनकी वैनिटी है, ये इनका सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान नहीं है, ये इनका गुरूर है, जो कि आपको पहचानने में मदद करेगा इनको। जैसे कि मैंने बताया इनकी आपसे क्या रिलेशनशिप हो सकती है,
बहुत ही हैप्पी होने का बस धूम करते हैं, इतने हैप्पी ये है नहीं। इतना जेलस इंसान, इतना दूसरों से जलने वाला, अपने अंदर दूसरों की एक जो सीमा नहीं समझता, मर्यादा नहीं समझता, ऐसा इंसान खुश तो होता ही नहीं। ये खुश होने का दिखावा बहुत करते हैं। आप इनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखोगे तो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे बहुत खुश है, बहुत ही आउटगोइंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनको प्रूव करते रहना पड़ता है कि ये बहुत खुश है। जिस इंसान को खुद से खुशी होती है, अपनी लाइफ से सुकून होता है, उसको दूसरे को प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो कितना खुश है। तो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखकर कभी अपना दिल मत जलाना, ऐसा कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। आपको अब तक इनकी वजह से जो भी नुकसान उठाना पड़ा होगा, जरूर उठाना पड़ा होगा। जाहिर है जिसने ऐसा किया है तो आपको इसका कुछ भुगतान तो देना ही पड़ा होगा, लेकिन आप उससे घबराइए नहीं, बहुत जल्द सब ठीक होने लगेगा। आपके रिलेशनशिप्स की हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, अगर इस पर इनकी वजह से असर हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। वक्त आएगा कि लोग रियलाइज करेंगे ये इंसान विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं है और खुद ही लोग इनसे दूर हो जाएंगे। मजा सभी लेते हैं गॉसिप का, इस तरह की इंफॉर्मेशन दूसरों के घर की सुनने का, लेकिन कोई ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता। तो आप अश्योर्ड रहें, इनकी वजह से आपको ऐसा कोई भयानक नुकसान नहीं होने वाला। जो कुछ अब तक हुआ है आपको, वो भी सब भरपाई हो ही जाएगी उन चीजों की। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है इनकी वजह से आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है, ये कैसे इंसान है। आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, आपके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ी होंगी इनकी वजह से। कुछ बातें इन्होंने सच भी बयां की होगी लोगों को, कुछ बातें मिर्च मसाला लगा के की होगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ा होगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, ये इंसान भी अपनी कोई भी रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनकी ये आदत इनको ही ले डूबेगी बहुत जल्द। Friends, take care of yourselves. Love you all. See you soon. Your friend, RJ Mathura. Bye-bye.